हेलो मासूम मिर्जा जी। हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उन सब पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है। बच्चों, एलन कैरियर पॉइंट अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर रहा हूं। बच्चों, साथ में कई बार टॉप रैंक प्रोड्यूस की है इन इंस्टीट्यूट पर, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, साथ में कई तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। बच्चों, और मैं 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा का मेंटर रह चुका हूं। बच्चों, हाँ जी, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों, इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं। हाँ जी बच्चों, साथ में सेकंड एडवांटेज है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी बच्चों नीट यूजी में, वो भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। बच्चों, तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा है, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है। हाँ जी, रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्सेज है, और 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए अलग कोर्सेज है। बच्चों, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज यहाँ स्ट्रक्चर्ड हैं, और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो इन कोर्सेज में को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। बच्चों, साथ में चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है। बच्चों, मेनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं, एक ही चैप्टर को 50+ एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपके पास इतनी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, और जब लाइव क्लास छूट गई ना, रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी आप इसे खत्म कर सकते हैं। बच्चों, तो ये चार फीचर्स हैं नीट यूजी सब्सक्रिप्शन का, जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को। यहाँ फ्री डेमो क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स ज्यादा हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे? 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज में मिलेगा बच्चों, पर अगर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2,500 रुपीज में ही मिल जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो 1,500 रुपीज पर मंथ, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। बच्चों, और मेरा रेफरल कोड यूज करोगे ना बच्चों, GS सर, तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी, तो 1500 वाला 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, लेस देन 50 रुपीज पर डे, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। बच्चों, और अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं।
फिर 2500 वाला 2250 में और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। ये तो हुई 10% डिस्काउंट की बात। इस कोड से आपको क्या होगा बच्चों, मेरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे बच्चों, हाँ जी बच्चों, साथ में आपको बुकलेट पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा, साथ में डेली डीपीपी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट अवेलेबल कराऊंगा। ये मेरे इस कोड के फायदे होने वाले हैं बच्चों। तो और मेंटर बना रहूंगा जब तक नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता, और एग्जाम होने के बाद भी मैं आपको काउंसलिंग में भी हेल्प करूंगा बच्चों, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकंड सेशन एक सुबह लिया था, एक ये है, इसलिए रे ऑप्टिक्स हमने शुरू नहीं किया। मिस्टर सिब्बू पोदार जी ने पूछा था, रीता मिश्रा जी हेलो हेलो बच्चे, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है, आपका आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये टॉपिक एम्स में बहुत आता है बच्चों, और थोड़ा भी हार्ड पेपर आया ना तो इससे क्वेश्चन आते हैं। रीटा मिश्रा जी हेलो जी, न्यू स्टूडेंट। निर्मा बिश्नोई जी नमस्ते बेटा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास ले लीजिए, ले लेते हैं बच्चों। स्पेशल क्लास रखें क्या? एक काम करते हैं, डेली एक स्पेशल क्लास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की रखते हैं, चार टॉपिक करके 5 क्लास ले लेते हैं बच्चों। नमस्ते जी छोटा राजन जी, क्वेश्चन आपके लिए है, जबरदस्त है, आप जल्दी से जवाब देते हैं। आकाश शाह जी वेरी गुड बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जी। ये आपका रॉकेट, गैसेस दे रहा है ना बच्चों, ये m/10 किलोग्राम पर सेकंड से, तो फोर्स ऊपर लगेगा, क्यों गैसेस इधर बाहर निकल रही हैं, तो फोर्स ऊपर आएगा कितना F, हाँ जी, अब थ्रस्ट फोर्स m/10 इनटू वेलोसिटी, ये फोर्स होता है बच्चों dm/dt इनटू वेलोसिटी, या पहले मोमेंट वो लिख लो mv, तो dp/dt क्या होगा, इस dm/dt इनटू वेलोसिटी, पूरा देख लो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो जी, कितना दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यस, तो कितना आएगा 1000, तो ये आ गया बच्चों m/100, नीचे mg लगेगा जी, यस, और एक F भी लगेगा, F कितना है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है जी इसका, थोड़ा हिंट दिया है मैंने आपको, गलत है मिस्टर मीट आमीन जी, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, एक्सेलरेशन निकालना होगा, चेक करना बच्चों, सब जगह M है, तो क्या आएगा, फोर्स केवल ऊपर ही लग रहा है, m100 माइनस mg माइनस 0.15 mv इज इक्वल टू ma बच्चों, ये है ma,
मास कैंसिल हो गया कॉमन आकर। हाँ जी विशाल राजनाथ जी, क्या हाल है जी? जबरदस्त वाला क्वेश्चन है जी। मास कैंसिल हो गया, पॉइंट 15B, ये डीवी बाई डीटी होता है बच्चों। अब क्या बोल रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अरे बोलो ना बच्चों, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कोई भी चीज मैक्सिमम होती है जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। बोलो ना बच्चों, तो ये कौन है? डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन जीरो करना है। यस, तो आंसर 100 माइनस जी को जीरो करना है। जी की वैल्यू भर दी जी मैंने, इज इक्वल टू 0.15 वी। सोल्व कर लीजिए बच्चों, वी कितना आ जाएगा? 0.15 वी इज इक्वल टू 90। काशीनाथ जी हाय हाय, हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कहाँ गए वो साउथ इंडियन वाले? यस, नाउ द आंसर इज सेकेंड। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए बच्चों। एनी डाउट? नहीं, बढ़े आगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं सारे, एम्स के क्वेश्चंस हैं बच्चों। ओ कुलदीप मीना जी, वेलकम वेलकम बच्चे। प्रणाम जी बच्चे, खुश रहो। यस, थोड़े पसीने तो आने हैं। कुछ नहीं है बच्चों, ये देखो ड्रैग फोर्स मतलब अब अपोजिशन फोर्स दे रखा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। पक्का? क्या? यस, आंसर इज वन। विशाल जी ने आंसर दिया है, चेक करो बच्चों। ये फोर्स किधर? इधर 10 की पावर -3। वेलोसिटी किधर? ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये फोर्स है ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन निकाल लो। तो ए कितना आएगा? अपॉन एम, -3/0.01। मास दे रखा है किलोग्राम में, तो ये 0.1 हो गया जी। अब वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? वी यू, ये माइनस में, ए को माइनस में लेंगे, तो नीचे है ना बच्चों। तो टाइम पूछा है, ये 1/10। फाइनल वेलोसिटी 1/10 को 0.1 लिख दो। यू दे रखा है 5, ये 0.1।
इनटू टी टाइम पूछा है बच्चों। अरे बोलो ना बच्चों, तो कितना आएगा? ये उधर गया 0.1 t इज इक्वल टू 5 - 0.1, 4.9। बच्चों बोल नहीं पा रहे हो एक तो आप, तो 49 सेकेंड बच्चों। यस बोलो ना। यस बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। किसी को डाउट? कोई FBD बनाया करो, फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सा फोर्स अपोजिशन में है, कौन सा सपोर्ट में है, FBD से पता चल जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेस्ट तरीका है बच्चों। क्या हुआ सिब्बू पोदार जी, वाई क्या बोल रहे हो? अच्छा यस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। बोलिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है आज भी, सारे एम्स के क्वेश्चन है। यस वेरी गुड वेरी गुड। मीना जी आज तो छा गए जी आते ही। कुलदीप मीना जी, कांसीनाथ जी, वेरी गुड। ये तो जस्ट ट्राइंगल है, ये वाला बेस, इधर एमजी लगेगा, इधर टेंशन है। ये टेंशन है बच्चों, ये एमजी है, ये थीटा है, ये आर है। पक्का क्या? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, बट कॉस ऑफ थीटा यहां से क्या आएगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी तो थीटा ही है बच्चों। कॉस थीटा का वैल्यू भरो जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस टी चाहिए। बोलो ना बच्चों, यस ये टेंशन आएगा। मास भरो जी, कितना है? 1 g 9.8, एल 40.4, और ये क्या आएगा बच्चों? या सेंटीमीटर में ही ले लो चलेगा, क्यों? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपको, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। स्क्वायर कर रहा हूं जी आर का, ये है कहानी। सो इट इज 9.8 40 अपॉन √39। सोल्व करो, मल्टीप्लाई है बच्चों, 5 से उड़ा दो 8 टाइम्स, थोड़ा सा ज्यादा आएगा 10 से। एम जी एल प्लस आर से भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है।
लेकिन ये तरीका भी सही है। कहाँ गए जी हाड़ोती वाले कुलदीप मीना जी? इट इज नॉट रॉन्ग। पक्का फोन कर लीजिए। ये 9.8 एट और ये 6 point something। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा √39? 6.4। उड़ा दो 0.8। 6.5 कर दो बच्चों। ये थोड़ा सा तो इज 10 point something। 11 ही मान लो, मैं तो 11 कर देता हूं उसको, 11 के आसपास आएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं जी। ये है अगला क्वेश्चन। बोलिए बच्चों। यस आंसर इज, उसका पता चल गया ना बच्चों। ये अगले क्वेश्चन पे जाइए। बोलिए बोलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। यस अंजान शाह जी, वेरी गुड वेरी गुड। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। लो देखो FBD बनाए। इधर क्या लगेगा? Mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन। n का वैल्यू Mg cos। cos 30 या थीटा, तो उधर कितना लगेगा? न्यू टाइम्स ऑफ Mg cos थीटा। तो फिसल रहा है बच्चों। तो MA is equal to Mg sin 30 minus। यस वेरी गुड वेरी गुड काशीनाथ जी। 3 इट इज करेक्ट। कुलदीप जी बिल्कुल सही है। ये लो जी एक्सेलरेशन पता चल गया, उससे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। मास कैंसिल हो गया। ए कितना आया? G/2 minus μ। तो G/2 कॉमन ले लो। बोलो ना बच्चों ये एक्सेलरेशन। अब इससे डिस्टेंस निकाल लो जी, पुट कर दो जी। एस कितना है? 4 meter। 1/2 ए वहां से भरो जी 5, क्यों G/2 को 5 लिख दो। यस और टाइम कितना? 16। बोलो ना बच्चों। नहीं जी 4 नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। कुलदीप मीना जी काइनेटिक्स है, ग्राफ पता है ना म्यू का? कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? पता है ना आंसर इज थर्ड। कहाँ घूम रहे हो जी? 2 से 8 times, 2 times,
तो कितना आया, 1 इज इक्वल टू 10 हाँ 10 आएगा ना, रूट थ्री म्यू, सोल्व करो म्यू, लेकिन ये स्टेटिक वाला है, अरे बोलो ना बच्चों, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये सबसे ज्यादा होता है, तो कितना आएगा 9/10√3 सोल्व करो, हाँ वो तो हमने जी वो लिया है बच्चों, अगर जी आप 9.8 लेंगे ना 0.5 से ज्यादा आएगा, अरे जी 9.8 लीजिए तो कैलकुलेशन के लिए 9/ ये 9.8 लीजिए, ये 10 मत लीजिए, तो 0.51 से ज्यादा 0.6 के आसपास ये, और काइनेटिक उससे कम होता है, तो डेफिनेटली आंसर थर्ड जाएगा, फोर्थ नहीं जाएगा जी मीना जी, बोलो ना, वैसे ही 0.6 एक ही आंसर है, दोनों इक्वल होते ही नहीं है, मैंने ग्राफ बताया है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक हमेशा कम होता है स्टैटिक के लिमिटिंग वैल्यू से, यस से ज्यादा, क्या हुआ ये 0.3 से भी ज्यादा आएगा, ये रूट थ्री 0.53 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.6 के आसपास, बोलो ना बच्चों, रूट थ्री 1.7 लिया है, कहां गए जी, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चरणजीत सिंह जी वेरी गुड बच्चों, ये तो इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट फोर्स आप 1.732 मत भरो, 1.7 भरो, अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हैं यहां, आपने कैलकुलेटर से किया होगा, जनता क्वेश्चन है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बोलते रहिए आप, करते रहिए, हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, बोलो ना बच्चों, सबसे इजी है, कुलदीप मीना जी ने तो आंसर ही दे दिया, छाए हुए हैं ये तो, चलिए बच्चों देखिए कैसे, यस आंसर इज 1, क्या होगा फोर्स लग रहा है, ये कितना है 4 किलोग्राम, ये कितना है 2 किलोग्राम, ये कितना है 1 किलोग्राम, इनके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स अलग से तोड़ देते हैं, ये 4 kg, तो किधर लगेगा फोर्स, इधर 14 न्यूटन, ये N1, तो दूसरे पर
उस पे भी एन वन, किस पर? 2 किलोग्राम पर। ये एन टू, ये इधर एन टू, ये 1 किलोग्राम। बोलो ना बच्चों, एफबीडी बनाया है तो 14 माइनस एन वन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन तो नहीं है ना, नहीं तो उसका भी रोल आएगा, उसका रोल भी लेना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है। 4 into a पहला इक्वेशन, दूसरा क्या, मैं सारे इक्वेशन बना देता हूं, एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2, और एन टू इज इक्वल टू ए एम एम ए। अरे बोलो ना बच्चों, उठा के भर दो, क्या चाहिए हमको, तो a निकाल लीजिए, एन टू निकाल लीजिए एक ही फॉर्म में। बोलना इक्वेशन नंबर 3, पुट 3 in 1, 3 in 2, 3 in 2 भरो ना बच्चों। तो एन वन आ गया 2a प्लस एन टू 3a, हाँ जी अंजान शाह जी, लेकिन बेसिक प्रोसीजर यही है। अगर आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए ना, इसी तरीके से जाएंगे तो मजा आएगा, कभी गलती नहीं होगी। उठा के भर रहा हूं एन वन का वैल्यू, यस, किसमें, इक्वेशन वन में, 14 माइनस 3a इज इक्वल टू 4a, सो 14 इज इक्वल टू 7a, सो a इज इक्वल टू, अरे बोलो ना बच्चों, 2 आ गया। पक्का क्या, ये यहां भर दो जी, एन वन 3a, ये एन वन ही तो निकालना था, वो 3a है, तो 3 into 2 6 न्यूटन। ये तो छोटा क्वेश्चन था बच्चों, मनीषा कुमारी जी, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर का ब्लॉक को एक मान ले बच्चों, 2 और 1 एक साथ, लेकिन अलग अलग फ्रिक्शन है ना बच्चों, फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैंने बेसिक प्रोसीजर से किया है, एकदम 0 लेवल। नहीं जी नहीं जी, राहुल रेड्डी जी, नो नो नो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बेसिक चीजों से जाएंगे ना बच्चों। नहीं जी नहीं होगी राहुल रेड्डी जी, कोरोना कंट्रोल नीट टाइम पर होगा, अदरवाइज सेशन लेट हो जाएगा। यस, इट मे कंट्रोल अप टू 31st August, देन नीट मे बी ऑन टाइम, नो पोस्टपोन्ड। अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन धीरे चल रहे हैं हम, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। ये देखो एक टेबल है, ये मास रखा है, पुली है, हाँ जी बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल टेबल, उसके कोने पे पुली है,
ये ब्लॉक, ये इधर, ये कौन है? M2, ये M1 है बच्चों, ये M2 है, यहां फ्रिक्शन भी है म्यू। डायग्राम बना रहा हूं। यस यस मनीषा जी, फटाफट आंसर दे रहे हो जी, बीच बीच में गायब हो जाते हो। कुलदीप मीना जी भी सही दे रहे हैं। टेंशन पूछा है, जो यहां होगा वही यहां होगा। पहले इक्वेशन बनाते हैं। एम टू जी, मैं बेसिक से ही जाऊंगा जी, माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, इक्वेशन नंबर वन। फिर चेक करना बच्चों, यहां क्या होगा? टी वही होगा, लेकिन यहां एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम वन जी, म्यू के मान लेना उसे बाद में। तो क्या आएगा? टी माइनस एम वन जी म्यू इज इक्वल टू ए, निकाल लो पहले और उसमें पुट कर दो, दोनों को एड कर दीजिए। आफ्टर एडिंग, आफ्टर एडिंग बच्चों, वन एंड टू, मैं बेसिक से ही जा रहा हूं, तो टेंशन कैंसिल हो गई। एम टू जी माइनस एम वन जी म्यू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, तो ए आ गया बच्चों। क्या? यस म्यू, ये उसमें भर दो जी, इक्वेशन नंबर वन। टी क्या? इक्वेशन नंबर वन में भर दो। टी क्या? एम टू जी एम टू ए, ए की वैल्यू यहां भरो, तो टेंशन आएगा एम टू जी माइनस एम टू, सोल्व करोगे जी, म्यू। यस एलसीएम आएगा एम वन प्लस एम टू, क्या क्या बाहर गया? एम टू जी बाहर गया, तो यहां वन बचेगा, तो एम वन प्लस एम टू आ जाएगा। एलसीएम भी ले रहा हूं, ये एम टू था, जी उसमें से कॉमन आ रहा है, देखना बच्चों, एक एम टू बचेगा और यहां बचेगा माइनस माइनस प्लस म्यू एम वन। यह है कहानी, एम टू कैंसिल, ये एम वन भी कॉमन, सो आंसर इज टू। बोलो ना बच्चों। ओहो शान जी, ऐसा थोड़ी होता है, आपका नाम लेंगे जी, मैंने जान करके एक्सेलरेशन पे भी रुक जाता ही है, टेंशन भी पूछता है बच्चों। मैंने दोनों क्वेश्चन पढ़ाए हैं, एक क्वेश्चन नहीं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बेसिक से जा रहा हूं मैं, जीरो से, बच्चों को फ्री बॉडी डायग्राम में प्रॉब्लम होती है इसमें, ऊपर जा रहा है बैलून। ये ऊपर जा रहा है,
कि नीचे नीचे, पहला नीचे आ रहा है ए से, तो क्या होगा, एम जी जीत रहा है माइनस एफ, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये तो इक्वेशन वन, अगला गुब्बारा मास कम कर दिया जी, एक दो व्यक्तियों को उतार दिया गुब्बारे में से, तो ऊपर जाने लगा तो बनेगा एफ, लेकिन मास अलग लेंगे एम वन जी, हमें निकालना है एम माइनस एम वन डेल्टा एम। यस बच्चों, अरे बोलो ना बच्चों, उठा के भर दो f का वैल्यू वहां से यहां, f इज इक्वल टू m1 कॉमन g प्लस a, भर दिया mg माइनस m1 g प्लस a ma, तो mg माइनस a इज इक्वल टू m1 g प्लस a। M1 निकाल लो, G माइनस A, G प्लस A इंटू M, पूछा क्या है बच्चों, M माइनस M1, यस बोलो ना बच्चों, M कॉमन आ जाएगा, LCM आप लोगे क्या, G प्लस A माइनस G माइनस A अपॉन G प्लस A, तो ऊपर G कैंसिल हो गया जी, तो आंसर क्या फर्स्ट बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये है अगला क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, आज झन्नाटेदार क्वेश्चन है, टाइम ले रहे हैं सारे। यस आंसर इज वन ना बच्चों, टिक कर दिया ना, यस इसका बोलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ये जनता क्वेश्चन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन, वेरी गुड वेरी गुड। ईशान जी सबसे पहले आंसर दिया आपने, यस यस यस, बहुत इजी है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन है 10 न्यूटन, तो इधर कितना लगेगा म्यू एन, तो म्यू इंटू टेन एन, यस म्यू इंटू टेन की वैल्यू एम जी के इक्वल करनी है, खत्म हो गया जी म्यू। अच्छा वेट ही पूछा है, मजा आ गया, जरूरत ही नहीं है, म्यू म्यू पॉइंट टू है बच्चों, ये टेन है और एम जी को ही वेट कहते हैं, यस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन, वापस फ्रिक्शन है, मजा आएगा, ओहो मनन अग्रवाल जी, अंजान शाह जी, ये नीट का ही तो है बच्चों, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, तो आओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये M1 एक्सेलरेट करेगा इधर, तो टेंशन यही टेंशन यहां इधर लगेगा,
कितना म्यू एम टू जी और यहां लगेगा टी वन, अलग आएगा बच्चों टेंशन, और इधर लगेगा म्यू एम वन जी। एम वन का एक्सेलरेशन पूछा है, इक्वेशन बनाओ जी। एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, पहला इक्वेशन। दूसरा टी माइनस टी वन माइनस म्यू एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर थ्री टी वन माइनस म्यू एम जी एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए। बोलो ना बच्चों ये एम थ्री है, तीन इक्वेशन है बच्चों। वन टू थ्री को ऐड कर दो, टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे बोलो ना, ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, टी वन से टी वन कैंसिल हो जाएगा, पक्का क्या? तो क्या आया आफ्टर एडिंग वन टू थ्री? यस, एडिंग वन टू थ्री एड करेंगे ना, ये टी इससे टी वन इससे ये माइनस में आएंगे, तो इक्वेशन यहां लिख रहा हूं एम वन एम टू म्यू जी माइनस एम वन म्यू जी इज इक्वल टू, यस बोलो ना बच्चों ए। खत्म हो गया क्वेश्चन, सारे एम है, बोलो ना सारे एम है, तो एम तो कैंसिल हो जाएगा, जी माइनस म्यू जी माइनस म्यू जी इज इक्वल टू थ्री ए, खत्म हो गया। सो ए इज इक्वल टू जी माइनस टू म्यू जी अपॉन थ्री, सो आंसर इज थर्ड बच्चों। यस, पीवाईक्यू तो है ही बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, लेकिन पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, तो खत्म करना है जी, ये तो सब कर देंगे। टू एम पर फोर्स पूछा है बच्चों, देख के उड़ाने वाला सवाल अंजन शाह जी, वेरी गुड वेरी गुड। पहला ही टिक करेंगे लोग, गलत हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। यस यस यस, विशाल राजनाथ जी बिल्कुल आंसर सेकेंड। एक्सेलरेशन जीरो, नो फोर्स, गलत हो गया विशाल राजनाथ जी का। मोनी गोदारा जी ने सही दिया है, बिकॉज वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। यस, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, काय का फोर्स। यस, देख के टिक करने वाला है, न्यूमरिकल नहीं है। जी लल चाहे रहा ना जाए, बारह के माइनस मार्किंग कराए, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्यों नहीं दिया जाए। जी लल चाहे रहा ना जाए, पहला आंसर टिक करेंगे या थर्ड?
ज्यादातर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस ओहो चरणजीत जी, तिन्ना क्वेश्चन है ये भी, चेक कीजिएगा बच्चों। क्या है कन्वेयर बेल्ट? कन्वेयर बेल्ट जानते हो क्या? वो आगे बढ़ रही है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन अपोजिशन में लगेगा। ये देखो वेलोसिटी इधर, तो न्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा, तो वो उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो वो पूछ रहा है कितने मीटर के बाद वेलोसिटी खत्म हो जाएगी? अरे बोलो ना बच्चों, मास तो कैंसिल हो गया, तो ए म्यू जी होगा। म्यू कितना दे रखा है? 0.5 इंटू 10, तो ये 5 हो गया। और क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, थर्ड इक्वेशन, ये 0 है, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड है यू। यस माइनस 2, ये ए माइनस में लेंगे उल्टा है 5। और एस पूछा है, एस इज इक्वल टू 4/10, खत्म हो गया। यस आंसर इज 1.4 मीटर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। ये तो सबसे इजी है, इसका बोलो। यस यस वेरी गुड मनीषा कुमारी जी, फटाफट आंसर दे रही हैं। इजी है बच्चों, नेट मास लिफ्ट विद पर्सन और ऊपर जा रहा है जी प्लस ए, इसका कितना है लिफ्ट का 940 और पर्सन का यस 60, तो नेट मास हो गया 1000 और ऊपर जा रहा है ना बच्चों जी प्लस ए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन फोर्स टेंशन इज एम नेट। चलिए बच्चों 1000 क्यों, 940 प्लस 60 और जी प्लस ए, बोलो ना बच्चों 11000 न्यूटन, फोर्थ आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यस बोलो बोलो बच्चों, ओ मनीषा कुमारी जी ने फटाफट आंसर दिया है, थोड़ा आपको ग्रामोफोन नहीं देखा होगा आपने, मैंने देखा है ऐसा घूमता था, डिस्क होती थी, ये ओमेगा से घूम रहा है जी, पक्का? क्या
इसकी रेडियस अलग है और या आर डिस्टेंस पे यहां पे कुछ रखा हुआ है कॉइन। ये कॉइन है बच्चों ब्लू वाला डॉट, तो आपको पता होना चाहिए फोर्स लगेगा कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, पर यहां ओमेगा दिया है और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो ज्यादा होना चाहिए बच्चों। वो ज्यादा होना चाहिए म्यू एम जी। तो कोई भी चीज घूमती रहे मूव नहीं करे तो फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। यस, तो म्यू एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मास कैंसिल बच्चों, सॉरी उसकी फॉर्म में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। लो ये मास कैंसिल, तो म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यस आंसर इज फोर। सबसे पहले दिया था किसने, मनीषा जी ने। यस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये भी जनता क्वेश्चन है। बोलो ना बच्चों, अल्फा से इधर जा रहा है तो इधर लगेगा इस पे अल्फा, एम अल्फा, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, म्यू एन म्यू एफ, ये एन का वैल्यू है, वो उधर लगेगा म्यू एन फ्रिक्शन, उसको एम जी के इक्वल कर लो तो म्यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। वेट को बैलेंस करना चाहिए, एन की जगह एम अल्फा, मास कैंसिल। बोलो ना बच्चों, तो अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू, फोर्थ आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले काशीनाथ जी ने दिया था, फिर मनीषा कुमारी जी ने, मौनी गोदारा जी ने, ईशान जी ने, फिर अजान साह जी ने। यस सबसे पहले, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, यह है आज का लास्ट। ये तो सबसे इजी है, ये तो सब कर देंगे। ये तो टिन्ना क्वेश्चन है, कहां गए मीना जी। यस वेरी गुड वेरी गुड। फोर्स चाहिए बच्चों, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, यस यस बोलो ना बच्चों, इज इक्वल टू एम ए मा, फोर्स इज इक्वल टू मा। तो ए क्या होगा, फोर्स अपॉन एम,
मास पूछा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मास में फोर्स अपॉन ए, फोर्स कितना है 10√2, ए बोलो जी 1, तो आंसर इज 1, बोलिए बच्चों। आज का सेशन हम खत्म करते हैं बच्चों, ये चैनल को लाइक कीजिए, कई बच्चे नए हैं आज, मिस्टर चरणजीत सिंह जी, काशीनाथ जी, विशाल राजनाथ जी, सबको चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और मेरा रेफरल कोड जीएस सर बच्चों में फैलाना है, आपकी जिम्मेदारी है जी। पढ़ाना चालू नहीं किया अभी, अभी केवल PYQ करा रहा हूं, और जब पढ़ाना चालू करूंगा तो फिजिक्स सॉलिड करेंगे जी। तो कल हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे, पक्का ना बच्चों, मेरा रेफरल कोड याद रखिए, बच्चों में फैला दीजिए अजान शाह जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर। मैं ट्विटर पर नहीं हूं जी, मुझे पसंद नहीं आता, नो पॉलिटिक्स, बिकॉज आई एम द टीचर ओनली, तभी तो 21 ईयर से पढ़ा रहा हूं, मुझे केवल टीचरशिप से प्यार है, इतने 21 ईयर तो घरवाली के साथ नहीं हुए, फिजिक्स टीच करते हुए 21 ईयर हो गए जी, तो काम वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार है। कल इसी का PYQ है अजान शाह जी, यस, वही 10 बजे, और NLM खत्म नहीं हुआ अभी, कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय।